बालाघाट से उखवा 35 किलोमीटर का लंबा मार्ग है जो बहर भी जाता है। यह मार्ग नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़ा हुआ है, जहां बीते 6 और 13 जनवरी की रात अज्ञात लोगों के द्वारा इस मार्ग में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लूटने का सफल प्रयास भी हुआ है। बताया जाता है कि लुटेरों के हाथों में बंदूक, डंडा और मुंह में नकाब बंधा रहता है और स्वयं को नक्सली बताकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शिकायत राहगीरों ने रूपझर और भरवेली थाने में की है। बहरहाल अभी भी इस मार्ग पर रात्रि के समय आवागमन करते समय राहगीरों में दहशत व्याप्त है। चूंकि बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है, इसलिए भी ऐसी लूट की घटनाओं से रात्रि में आवागमन करने वाले राहगीरों में दहशत बढ़ गई है। हालांकि बालाघाट पुलिस अब इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बकायदा रात के वक्त पुलिस इस मार्ग में गश्त भी कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लेगी। सुने बस लूट हुई है, ऊपर सुनने में मिला, हमको पता नहीं था। बाकी फिर एक बंजारे भैया ने बताया कि हाँ सही बात है, मोरबिंदी में हुई है चोरी। बता रहे थे पैसे चोरी हुई है, 10-12 हजार रुपए। वो टी शर्ट पहने हुए थे, नकाब बांधे हुए थे, हाथ में डंडा थे दो लोगों के। टी शर्ट पहने हुए थे, टी शर्ट जीन्स लोअर कोट टोपे। तो क्या गाड़ी को रोकते है, रास्ते में रोकते है? गाड़ी को रोकते हैं, रुकते और क्या हाथ में डंडा भी मारते कि पत्थर ही मारते, ऐसा कुछ करते? पत्थर अच्छा तो पता नहीं, डंडा जरूर मारते हैं, रुकते हैं गाड़ी को, चमकाते हैं। क्या लगता है कौन लोग होंगे इधर आस पास के होंगे? कौन होंगे? नक्सली तो होंगे नहीं, नक्सली होते तो रोज करते। देखिए 6 जनवरी की रात के दरमियान लगभग 11:30 बजे के आसपास की बात है, कुछ अज्ञात युवकों द्वारा नक्सली बताकर कुछ राहगीरों को रोककर पैसे वसूली की गई थी, लूट की घटना की गई थी। उस पर से अपराध क्रमांक 9-19 थाना रूपझर में पंजीबद्ध किया गया था। उसके पश्चात एक घटना 13 तारीख की दरमियान रात को भी हुई थी, उसमें भी एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था और कुछ ट्रक वालों से पैसे लूटे गए थे, ऐसा उसमें बताया गया था। उसमें भी नक्सलियों का हवाला दिया गया था कि नक्सली बन के वो लूटे हैं, उसमें भी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। फिलहाल दोनों ही मामले थाना रूपझर में विवेचना में है और अभी तक जो घटना हुई उसमें भी नक्सली के द्वारा यह घटना कारित की गई है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। नक्सलियों की आड़ में कुछ युवक जो है इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे, जल्द ही आरोपियों को पकड़कर पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा।